हेलो, अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों दोस्तों को। नया दिन, नया ब्लॉग। मैं आया हूँ तो बारिश शुरू हो गई है इधर, और तेज़ नहीं है बारिश, फवार सी है, लेकिन पड़ी जा रही है, पड़ी जा रही है। बारिश कदों दी हो रही है? सारे पैकेट आ गए, मिक्स करना। दाना आज मैं आता हुआ ले आया हूँ। अब फिलहाल इसको जो है ना करना है मिक्स, मिक्स करके फिर हम लोग अपना ड्रम में डाल के रख लेंगे। इसके अंदर फीड और मिक्स दाना और हर चीज़ जो है ना अंदर ही है, सारा कुछ मिक्स करके एक दाना बना लेना है, ताकि हर चीज़ जो है ना चूज़ों को मिलती रहे और मुर्गियों को भी। ये मुर्गियों का मेनली दाना है। कि ना मुझे शक्ल मज़े की नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा इसके अंदर ना एक आधी चीज़ और ऐड कर लें। बारिश हो ही जा रही है, तो अभी मैं जाके जो है ना ये भी बताता हूँ कि हम लोग दाना बनाते क्या है अपने मुर्गों का ना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ कितनी कितनी क्वांटिटी में डलती है। बाकी जब बंदा रख लेता है चीज़, फिर बंदा थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड कम कर करके ना वो कर लेता है, इसके अंदर जो है ना चेंजिंग करता रहता है मौसम के हिसाब से। लेकिन आजकल के मौसम के हिसाब से जो दाना है वो मैं बताता हूँ जाके जो है ना क्या क्या भी कंट्रोल होता है। अभी मैंने वीद को इधर भेजा है कि बाजरा लेके आए, क्योंकि बाजरा मुझे जो है ना वो दाने के अंदर थोड़ा कम फील हो रहा था। अरुण साहब आज आए कोई नहीं है। मैंने कहा कि अंदर तो सब सिस्टम ठीक है सारा, ये बाहर आके जो है ना कर मोर मुझे ही लग रहे हैं कि बाकी थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं पहले से। माओ मैं करीब जाऊँ, अंदर चले जा मोरों का। हाँ वो भी ले आई, अपने काम तो ख़त्म करें, बाकी उन्हें जब आना देखी जाएगी दाने दूने डाल के। चकोरों नहीं, मैं पूछता हूँ वही से कि आठ अंडा दिया कि नहीं दिया। ये बीच में छुट्टी करने लग गए हैं, पहले रेगुलर दे रहे थे, और ये सुबह सुबह ही किधर कोड़ पड़ा है। कोई नहीं, हमने छेड़ना नहीं है, खुद ही घूमता रहा, इस तरह घूमना है इसने। मैं तो भाई अपने सारे काम कर कर के वेला हो गया हूँ जी, पर वो अभी पहुँचा है, और आते ही इसने जो है ना कबूतरों की आज़ादी छीन ली है। आते ही दाना डाल के सारे अंदर कर दिए हैं। जहर आज गया हुआ है लाहौर, जो थी कोहली वो आ रही है वापस, क्योंकि तो वो दोस्त की यूनिवर्सिटी शुरू हो गई जिसके बाद रखवाई थी हम लोगों ने, तो वो कहता जी अब संभाली नहीं जाने, टाइम नहीं दिया जाना, तो आप जो है ना मंगवा लें। तो उधर हट गया हुआ गोली लेने, देखते हैं कब पहुंचता है वापस। बीच में उधर की कॉल ही आ गई थी, इसने भी नहीं जल्दी मरना। वो कहता जी मैं निकल आया हूँ लाहौर से, तो अब 8 बजे तक पहुंचेगा वापस,
लेकिन अब मेरे लिए मसला ये बन गया कि मुझे अब सोचना पड़ना है कि हमने अब कुत्तों की सेटिंग कैसे करनी है, क्योंकि तो सारे केजेस हमारे जो हैं फुल हैं। ये जानी है वो फैसल भाई, आप रोज़ हमारा ब्लॉग देखते हैं, देख ले हम कितने परेशान हैं। ये आपकी जो आपका जो ये तोहफा है ना, ये कह रहा है मैंने फैसल भाई के पास जाना है, मैंने फैसल भाई के पास जाना है, ये रोज़ कहती है मेरे कान में आके ना, तो इसको तो मंगवा लें। और साथ आपके लिए एक और तोहफा है हमारे पास, वो भी आपने लेके जाना, तो अपना प्रोग्राम बनाया जल्दी का, और आपके कबूतर भी जो हैं वो रेडी पड़े हुए हैं इधर, तो वो भी जाने हैं। अब देखते हैं फैसल भाई कब हमारा ब्लॉग ब्लॉग तो आज रोज़ देखते हैं, वो देख लेंगे आते कब हैं। हाँ बाकी मैंने कहा था आज बारिश हो रही है, मैंने भी कहा था कि सारा जो ना स्टोर का सामान बाहर निकाले, स्टोर का सामान बाहर निकल आया है, अब स्टोर की सफाई करके ना एक दफ़ा तो हम लोग जो है अपना सामान जो ज़रूरी है वो अंदर रखेंगे, बाकी सारा कुछ हमें जो है ना वो हैंग देना, क्योंकि स्टोर में अंदर जाए खड़े होने की जगह नहीं होती हमारे पास। यार मेरी तो ना कल मैं मुझे लगता है मेरे ना वो कहता नहीं जो नशाई होता है, नशाई को नशा ना मिले, वो वाला हाल था मेरा, मेरे से उठ के बैठा ना जाए, इतनी एनर्जी लो हुई थी मेरी, लेकिन मैंने बोतल नहीं पी। पांचवा दिन हो गया मेरा, 24, 25, 26, 27, 28 पांचवा दिन हो गया यार बोतल नहीं पी मैंने। लोगों ने बड़ी कोशिश की मुझे कह के यार पी लो, मैं कहा नहीं, वही वजह है जितनी अंदर चीनी इकट्ठी हुई थी ना वो एक बार निकलनी है तो एनर्जी तो लो होनी है। मैं तो शूज भी यार साथ लेके आया हूँ, मैं आज वॉक भी करनी है बाद में, मैं 1 जनवरी को बाकी सरप्राइज करना है। शपाटा सिंह मैंने बाहर छोड़ा हुआ है अपना, और करण अर्जुन भी हमारे फिर रहे हैं, न्याजी कल कह रहा था कि सारे रखे जाने, सारे न्याजी सर मैंने कोई नहीं रखने, इस वजह से चलो मैंने करण अर्जुन रख लिया, चीजू मीचू तो मैंने वैसे नाम रखा है उनका, वो अगर जाते हुए मैंने दे देने हैं, ये दो नहीं देने मैंने, ये दो रखी रखने मैंने, ये पक्के हैं, इनका जीना मरना इधर ही है, इन्होंने बड़े होकर ठाकुर से बदला लेना है अभी। नहीं नहीं ये ब्राउन वाला तो कन्फर्म मेल है, ब्लैक वाले का मुझे शक पड़ रहा है, लेकिन न्याजी कल कह रहा है कि वो मेल ही है, वो फर्क वो वही बता रहा है ना, वो एक ऊपर वाले मुर्गे का एक नीचे वाले मुर्गे का है, वो नीचे वाला नहीं, खैर वाला चला गया उधर गोजरे। बाकी मैं अब जाकर स्टोर का देखूं और फिर जो है ना हम लोग ओ जहाज जा रहा है एयरपोर्ट के करीब हम लोग हैं, हमें ना एयरपोर्ट फोन करने वाले पूछना ही पड़ता है कि भैया अपने जहाज कब जाना है, उन्हें कबूतर छोड़ने हैं। मेरा ख्याल है इनको चकोरों को बंद करके ना आज इसको भी बाहर खोल देंगे, या तुम याशी करो अपनी, ये अंदर ही फिरती हुई जो है ना इतनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह से, बहुत बेहतरीन जा रही है, बिल्कुल जो है ना अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रही है फिलहाल। अच्छा मैंने भी अभी गौर किया, पेंट वाला अपना आधा काम कर गया, ये सारा जो है ना फेंस हमारी इसको अंडरकोट हो गया, बाहर वाली साइड से अंदर वाली साइड भी थोड़ी थोड़ी रहती है, कल को इसको अंडरकोट लग के तो ये फाइनल हो जाएगा, फिर ये जो है ना मजीद अच्छा लगेगा, जो हमारा वो कहते नहीं जो आजकल मशहूर हुआ है आपका ही विजन है। ये हमारा ही विजन है, ये इस तरह जो है ना, अब अगर इसके आगे ही जो है ना हम लोग इस साइड पर भी ये सारा पूरा कर देना तो हम यहाँ पर भी कोई और चीज़ ला कर छोड़ सकते हैं, लेकिन वो काम अभी नहीं करना, ये काम हमारा बहुत लंबा हो जाता है, पहले एक बारी ये कंप्लीट हो जाए, इसको देख के हम लोग थोड़े दिन मज़ा लेंगे, फिर अगला सोचेंगे कि क्या करना है। बाकी कबूतर कह दिए मुर्गियों का दाना मैंने तैयार किया है, उसकी मैंने कहा ज़रा कंपोजिशन बता दूँ, इसके अंदर हम लोगों ने डाला है जी 10 किलो डाली है स्टार्टर फीड, और 5 किलो इसके अंदर है जो अंडों वाली फीड होती है वो 15 किलो हो गया, उसके बाद 10 और 15 25 किलो इसके अंदर है मिक्स दाना,
25 किलो मिक्स दाना है, तो टोटल ये तकरीबन 40 किलो हमारी फीड बन गई है। जिस रेट के हिसाब से मुझे मिली है वही मैं साथ जो है ना वीडियो में लिखे आएंगे आपको, तो जो है ना आइडिया हो रहा है कि मुर्गियों का दाना जो हम लोग डालते हैं ना वो इतने के रुपये किलो पड़ता है हमें, और ये चीज़ें इसके अंदर जो है ना ऐड होती हैं, ताकि अगर आप लोगों ने बनाना हो अपना दाना मुर्गियों का तो हम लोग बना सकें। वही दाना हमारे गिनी फाउल्स पर डलता है, वही दाना हमारे मोरों को डलता है, और वही सब मुर्गों और चूज़ों को डलता है। चूज़े जो हैं वो उनके लिए भी फिट दाना, और बाकी जो है ना प्रोटीन वगैरह और हर चीज़ पूरी हो जाती है मुर्गियों की, और मुर्गियों की भी वो भी अपनी सेहत में माशाल्लाह से बिल्कुल फिट है। कबूतरों के लिए हम लोग फीड यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये उड़ने वाले कबूतर हैं, तो इनको जब फीड डालें ना तो इनके अंदर हल्की सी आ जाती है चर्बी, और फिर ये उड़ते नहीं हैं, फिर ये बस फिरते ही हैं मुर्गियाँ बन के। तो कबूतरों वाले के अंदर हम फीड यूज़ नहीं करते, फीड हम यूज़ करते हैं सिर्फ ये मुर्गियों वाले के अंदर, ताकि जो है ना इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हो रही है। ये आपके सामने ही है, ये तो चूज़े पल रहे हैं हमारे इधर दो, बाकी न्याजी की तरफ जो पल रहे हैं वो भी यही तकरीबन हमारा डलता है दाना। उज़ैर तो अभी तक पहुंचा कोई नहीं है, आने वाला ही होगा, तो मेरे अब जाने का टाइम हो गया है। और उसका दरवाज़ा किधर गया? दरवाज़ा ये दरवाजे को निशानी लगानी पड़नी है हमें। खैर जो है ना वॉक वूक करके वेले हो गए हैं, उधर आता है तो फिर वो फीमेल बंद कर देगा जगह, उसकी मैंने यहाँ बना दी है, इस केज के अंदर गोली रहा करेगी अब बिल्ली के साथ ही अपनी बहन के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल अगले ब्लॉग के अंदर। उम्मीद है कि आज का ब्लॉग हमारी इन्फॉर्मेशन पर लगी होगी अच्छी, कि जो हम लोग मुर्गों को क्या दाना वगैरह डालते हैं और क्या हिसाब किताब है उसका, तो ऐसे ही जो है ना सारे जो है ना इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहा करेगी हमसे। हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन पर क्लिक करते रहना। मैंने फिर जो है कहना शुरू कर दिया, मैं अगर ना कह के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कह के देख लेते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज़।